अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर है, ठीक है। हस्बैंड का मलेरिया जो है अब बेहतर है, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो है, लेकिन मुंह का टेस्ट कहते हैं ना ख़राब हो जाता है, तो कोई टोटका या कुछ भी किसी को पता हो तो कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि जो है बुखार के बाद जो है मुँह अजीब सा कड़वा कड़वा हो जाता है। तो बस यहाँ पर वही कि हस्बैंड का भी मुँह का जायका ऐसी हो रहा है और मेरे भी, क्योंकि मैंने जो है मेरा गला ख़राब था तो इस वजह से जो है मैं मुझसे कुछ खाया वगैरह नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर जो है मैं जूस वगैरह लेकर आई थी मैंगो का, तो वो पिया, उसका भी जायका, खैर मुझे वो भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी टेस्ट में अच्छा नहीं लग रहा। तो बस यहाँ रात के वक्त क्रेविंग हो रही थी तो कुछ स्पाइसी खाने का दिल चाह रहा, तो ये झटपट सी जो है स्पैगेटी मैंने घर के ही मसालों से बनाई है, जो कि आपके कैबिनेट में मौजूद होते हैं मसाले। यहाँ पर चाट मसाला, कुटी मिर्च, पिसी मिर्च और काली मिर्च पिसी हुई, जीरा पिसा हुआ और नमक था और धनिया था कुटा। तो बस यहाँ पर ये चीज़ मैंने ले ली थी और ये ऑयल इसमें ऐड कर दिया था कढ़ाई में। उसके बाद घर में गाजर रखी थी, तो बस सब्ज़ी में मैंने कहा गाजर ही ऐड कर देती हूँ, और हरी प्याज थी तो बस यहाँ पर हरी प्याज और गाजर को मैंने इसमें तेल में ऐड कर दिया था। मैंने जैसे कि बताया कि मुँह का जायका चेंज हुआ हुआ है, कुछ स्पाइसी खाने की क्रेविंग हो रही थी, किसी चीज़ का फ्लेवर नहीं पता चल रहा, तो बस वो मैंने जो है कहा कि कुछ नया ट्राई किया जाए, कुछ स्पाइसी अच्छा सा ट्राई किया जाए। तो बस यहाँ नूडल्स मुझसे बहुत अच्छे बनते हैं, नूडल्स हो स्पैगेटी हो, तो बस इस तरह की चीज़ें मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मैंने स्पाइस कितने ज़्यादा क्वांटिटी में डाले हैं, और ये सॉस वगैरह रखे हुए थे तो बस मैंने जो है ऐड कर दिया था और बहुत ही मज़े की यमी सी बनी थी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, ये झटपट सी तैयार हो जाती है स्पाइसी स्पैगेटी थी, बहुत मज़े की। बस जो है मैं इसको बॉयल करा है यहाँ पे मसाले में, जो है देख सकते हैं कि इस तरह से तेल में बबल्स बनने लगे थे। फिर उसके बाद जो ये मैंने स्पैगेटी पानी में से निकाल ली थी, बॉईल करी थी, और यहाँ पर मैं केचप ऐड करूँगी मसाले में और फिर स्पैगेटी में इसमें ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, मैं चिली गार्लिक वाला ही केचप यूज़ करती हूँ। तो बस आप लोग भी जो इस तरह से बनाकर ट्राई करें, बहुत मज़े की, बहुत यमी सी बनती है, घर के ही मसालों से बन जाती है और जो है झटपट भी तैयार हो जाती है। ये मेरी जो है 10 मिनट में बन गई थी, 5 मिनट्स में मेरी जो स्पैगेटी बॉईल हुई थी और 5 मिनट्स में मैंने जब तक इसके मसाला रेडी कर लिया था। तो बस यहाँ पर ये मेरी स्पैगेटी जो है तैयार थी, बहुत ही मज़ेदार सी, यमी सी। तो बस आप लोग भी ट्राई करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और जो है टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत प्यारी प्यारी आयज़ल और आयज़ल के बाबा की टिकटॉक में बनाती हूँ और इंस्टाग्राम पर अपडेट देती रहती हूँ मैं आप लोगों को। तो बस कोई भी आप लोगों का क्वेश्चंस हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। तो बस यहाँ पर घर में ही मापूतो मोजम्बिक में या घर में ही इंजॉय हो जाता है, तो बस इसी तरह से खा पी कर और घूम फिर कर बस इंजॉय कर लेते हैं घर में ही। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी YouTube फैमिली है, तो बस मैं इसको फैमिली की तरह ही समझती हूँ। तो बस आप लोग भी मुझे फैमिली की तरह ही समझें और जो है प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करें आयज़ल के लिए, जो बहुत सारा प्यार कमेंट्स में दिया करें। आप लोग ब्लॉग देखते हैं, इंजॉय करते हैं, तो बस आयज़ल की शरारतों को भी इंजॉय करा करें और कमेंट्स में बताया करें कैसे लगते हैं ब्लॉग, कैसे नहीं लगते, यहाँ पर क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते, कौन सी जगह आप लोग जो है विज़िट करना चाहते हैं, तो कमेंट्स में बताइएगा। तो बस मैं जो है वो विज़िट करूँगी। आप लोगों ने दुआओं में मुझे याद रखना है और आयज़ल को बहुत बहुत सारा प्यार देना है और अपने लिए भी दुआ करनी है, अपने आसपास वालों के लिए भी दुआ करनी है। और यहाँ बातों ही बातों में मेरी स्पैगेटी भी तैयार हो गई थी, तो बस मैं इसको जो है प्लेट में अब सर्व कर रही थी, क्योंकि अब ये मैं खाऊँगी, इंजॉय करूँगी। तो बस आप लोग को कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताना। स्पैगेटी किस किस का देख के खाने का दिल चाह रहा है, मेरा तो जब भी मैं ये देखती हूँ और खाने का दिल चाहता है मेरा। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।